गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 एक्सरसाइज 6.17.1 मैथ्स। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट आपको दिए हैं उसके बारे में, उसको देखकर आपको इक्वेशन बनानी है। इसमें केवल ए से जी तक के पार्ट करने हैं, सभी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कहाँ कहाँ कितने कम पार्ट्स को करना है। ठीक है, पहला है द सम ऑफ ए नंबर वाई एंड 10 इज 25। एक नंबर है वाई और उसको सम करें 10 से तो 25 आएगा, ये बताना है। तो इसको लिख सकते हैं आप वाई प्लस 10 इक्वल्स टू 25। नेक्स्ट पार्ट है 8 टाइम्स ऑफ ए नंबर वाई। एक नंबर है वाई जिसका 8 टाइम्स यानी 8 गुना, तो 8 मल्टीप्लाई वाई कितने के बराबर है, वो 120 के बराबर, तो 8 वाई बराबर 120 हो गया, ये आपका आंसर है। ई पार्ट बता रहा हूँ मैं, बाकी आप खुद करेंगे। 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स बी, यानी 5 टाइम्स बी को लो, उसमें से सब्ट्रैक्ट करो 3 को, आंसर आएगा 12। तो ये हो गया 5b-3 इक्वल्स टू 12। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दी है, उसको स्टेटमेंट में बदलना है। एक्स प्लस 3 बराबर 14, यानी एक्स और 3 का टोटल 14 है। तो इसको आप लिख सकते हैं द सम ऑफ एक्स एंड 3 इज 14। नेक्स्ट पार्ट है वाई माइनस 5-y इक्वल्स टू -3, तो इसमें इन दोनों का अंतर हो गया, तो लिखेंगे द डिफरेंस ऑफ वाई एंड 5 इज -3। फिर सी है 5p+7, तो इसको आप लिख सकते हैं 7 ऐड होगा कब, जब इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो आप इसको लिखेंगे वी गेट 22 व्हेन 7 इज एडेड टू 5 टाइम्स ऑफ बी, यानी 5 टाइम्स बी में अगर हम 7 को ऐड करें तो 22 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहे कि रोहित जो है उसकी एज जो है वो राम की एज के डबल से 6 ईयर्स ज़्यादा है। रोहित की जो एक्चुअल एज है वो 38 ईयर्स है, तो ये इक्वेशन बनाओ। मान लो राम की एज है एक्स, एज ऑफ रोहित है उसके डबल से 6 ज़्यादा, यानी 2x+3, और इन रियल एज ऑफ रोहित है 30 ईयर्स, तो यानी ये 2x+3 इक्वल्स टू 38 के हो गया, बस ये इक्वेशन बन जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आ जाए, कई क्लास है उसमें 40 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें गर्ल्स भी हैं बॉयज़ भी हैं। गर्ल्स की संख्या जो है बॉयज़ की संख्या का 1/5 है, और टोटल जो है वो 40 स्टूडेंट्स हैं। तो आपको इक्वेशन में बदलना है इसे। मान लो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं एक्स, गर्ल्स हो गए 1/5x, टोटल स्टूडेंट्स दोनों का ऐड हो गया एक्स प्लस 1/5x, और ये इक्वल किसके 40 के, क्योंकि इन रियल टोटल स्टूडेंट्स की संख्या 40 है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस 1/5x इक्वल्स टू 40। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो ये स्टेटमेंट दी है उसके लिए इक्वेशन बतानी है। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 18, 3 लगातार प्राप्त होने वाले इंटीजर्स हैं उनका सम 18 है। मान लो पहला इंटीजर है x, दूसरा हो गया x+1, तीसरा हो गया x+2, तीनों को ऐड करें तो 18 के बराबर होगा। ठीक है, तो यह आया आपका x+x+1x+2 18, 1, 2, 3, 3x हो जाएंगे ऐड होकर, और 2+1, 3, इसको सॉल्व कर लेंगे आगे निकल आएगा। वैसे इक्वेशन बनानी थी हमें, तो यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं इसको, यहीं छोड़ देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है बी पार्ट, इसका पैरीमीटर दिया है एक ट्राइंगल का 14 सेंटीमीटर, जिसमें क्या है कि सेकेंड साइड जो है उसकी, उस ट्राइंगल की पहली साइड का से 5 कम है, और तीसरी साइड जो है वो उस सेकेंड साइड से 3 जाता है। तो पहली साइड को ही मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट साइड ऑफ ट्राइंगल एक्स, सेकेंड होगी उससे 5 कम यानी x-5, थर्ड है सेकेंड वाले से 3 ज़्यादा, तो ये x-5+3, इसको सॉल्व कर लेंगे +-2, x-2 आ गया। पैरीमीटर एक्चुअल में दिया है 14 सेंटीमीटर, तो यानी ये तीनों साइड्स जुड़कर पैरीमीटर के बराबर हो जाएंगे, तो ये होगा x-5x+2। ठीक है, सॉल्व कर लो, 1, 2, 3, 3x हो गया, माइनस का 5x, और ये अपने लिए बना रहे, ये 2 सेंटीमीटर वैसे रहने दीजिए, ये आ गया +-3, 3x-3 इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, यही इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।